हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमने हेडिंग लगा रखी है सॉल्यूशन विलयन। तो सबसे पहले बच्चों, विलयन होता क्या है तो देखिए, आज हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा हो ये एक बाटल है और इसमें पानी भरा हुआ है। आप गलत है, ये एक बाटल से पानी भरा और हमने इसमें एक चीनी घोली है। क्या घोली है बच्चों? चीनी घोली है। और चीनी घोली है बच्चों, स्वाद चक्कर थोड़ा बताते हैं आपको, मजा आ गया बच्चों। ये जो चीनी घोली बच्चों, ये आपका हुआ शरबत और इसको हम क्या कह सकते हैं? विलयन। देखिए आप, ये जो बाटल है इसमें हमने चीनी घोल रखी है। आप चाहे जहां पर भी देखेंगे, पूरा का पूरा विलयन एक जैसा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अगर पूरा विलयन एक जैसा है तो हम क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? समांगी। अगर पूरा विलयन एक जैसा है तो हम क्या कहेंगे? समांगी। समांगी दो शब्दों से बना हुआ बच्चों। देखिए, समधन अंगी, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समधन अंगी। अंगी मतलब होता है बच्चों भाग, और सब मतलब होता है बच्चों समान। तो क्या मीनिंग निकल के आई? समान भाग। समधन अंगी का मतलब क्या निकला बच्चों? समान भाग। तो वह तो बच्चों यहाँ पर लिखा समांगी। समांगी मतलब क्या होता है? समधन अंगी, समान भाग। मतलब प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन हो, चाहे बच्चों हम यहाँ का कंपोजिशन ले, चाहे यहाँ का कंपोजिशन, चाहे जहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालें और उसे बच्चों टेस्ट करेंगे, उसकी जो स्वाद होगी, जो कंपोजिशन होगा, वो एक जैसा मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों? सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें हमने कितने पदार्थ डाले थे? एक तो आपका जल तो था ही, पानी तो था ही, और इसमें क्या डाला हमने? चीनी डाला। और चीनी को डालकर बच्चों हमने क्या क्या मिक्सअप किया, स्टीरिंग किया, तो आपका बना क्या? शरबत। मतलब क्या बना बच्चों? सॉल्यूशन बना। अब ये सॉल्यूशन जो बना, तो हमें दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक सब तो एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो हम इसे कहते हैं क्या बच्चों? समांगी। अगर बच्चों चीनी ने इससे क्रिया किया होता तो कोई और प्रोडक्ट बनाना, कोई और प्रोडक्ट बनाता ना, कोई और उत्पाद बनाता, लेकिन क्रिया किया नहीं। क्रिया मतलब कि जो भी पदार्थ हम लेंगे वो आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। इतनी बातें समझ में आई? तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो नाउ तो हम देखते हैं बच्चों विलयन। विलयन क्या बच्चों? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का बच्चों समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे जो एक दूसरे में घुल करके, जो आपस में मिक्स हो करके क्या बनाएंगे? समांगी मिश्रण बनाएंगे। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, ये बताओ कि हमने इस बाटल में, जो आपका ये बाटल है, पानी तो पहले से रहा होगा और इसके बाद हमने इसमें क्या डाली होगी? चीनी। तो किसकी अमाउंट ज़्यादा है? जरा सोचो, किसकी अमाउंट ज़्यादा है? पानी की ज़्यादा है कि नहीं? हाँ, अगर जिस पदार्थ की विलयन में अमाउंट ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विलायक। और विलायक मतलब होता है घोलने वाला। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे हम कहेंगे बच्चों विलायक। और जिसकी मात्रा कम, बताइए चीनी की मात्रा कम है कि नहीं? हाँ, चीनी की मात्रा कम है कि नहीं? हाँ, अगर चीनी की मात्रा कम है बच्चों तो हम चीनी को क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। तो दो टर्म निकल के आए बच्चों विलयन से ही, तो क्या रहा आपका? विलायक और विलेय। तो दो टर्मोलॉजी निकल रही है यहां से। तो मतलब जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना हुआ है बच्चों। आपका जो विलयन किससे बना हुआ है? विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। इतनी बातें आई समझ में? आओ देखें,
विलय क्या है? विलय वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलेय कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। एक टर्मोलॉजी और है बच्चों, एक पद और है, वो क्या आपका विलायक। और विलायक को भी हम समझते हैं, विलायक क्या होती है। तो विलायक के बारे में बच्चों हम लिख लें, विलायक। तो विलायक क्या है? वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे विलायक कहते हैं। तो हमें आशा है, मुझे विश्वास है कि बच्चों आपको विलयन क्या है पता लग गया, विलेय क्या है पता लग गया, और विलायक क्या है पता लग गया। अब विलेय की संख्या के आधार पर, कहने का मतलब कोई विलयन कितने अवयवों से मिलकर बना हुआ है उसकी संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। अवयवों की संख्या के आधार पर बच्चों हम विलयन के प्रकार देखेंगे। अब और समझें। अब यहां पर बच्चों हम लिख रहे हैं विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार किसके आधार पर देख रहे हैं? अवयव के। अवयव की संख्या के आधार पर बच्चों विलयन के प्रकार। तो आओ समझें। जैसे आप ये बताइए, ये आपका विलयन में क्या क्या घुला हुआ है? पानी है ना, हाँ। चीनी है, हाँ। मतलब विलयन में दो घटक तो होने चाहिए, दो अवयव होने ही चाहिए। अगर आपका बच्चों दो अवयव है तो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। तो इतनी बातें समझ में। अगर विलयन में दो अवयव है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो पहला निकल के आया कि कौन सा विलयन? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन क्या है बच्चों? वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या दो होती है। उसे हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। आपका द्विअंगी विलयन क्या है बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें अवयव की संख्या दो होती है उसे द्विअंगी से द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें अवयव की संख्या कितनी है बच्चों? दो है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर हाँ तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं आपकी त्रिअंगी विलयन के बच्चों। त्रिअंगी विलयन क्या है? आपको इतनी चीजें दिख रही है ना, द्विअंगी विलयन दिख रही है ना। अगर इसी में हम कोई और पदार्थ डालकर हम घोल दें तो उसे हम क्या कहेंगे?
त्रिअंगी विलयन कहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों कैसे बन रहा है आपका त्रिअंगी विलयन। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये आपका क्या है, चीनी है, इसमें क्या है, पानी है, और ये क्या है बच्चों, इंक है। देखिए गई ना इंक। अब बच्चों ये आपकी, हमने इंक यहाँ पे डाला और हमने इसे मिलाना शुरू किया बच्चों। कुछ टाइम बाद देखिए, देखिए बच्चों आपका विलयन बन रहा है। देखिए बच्चों आपका यहाँ पर एक विलयन बन के आया। इसमें कितने पदार्थ हैं बच्चों, तीन पदार्थ है कि नहीं, इसमें कितने पदार्थ हैं, तीन पदार्थ। हमने इंक भी डाल दिया बच्चों, पानी तो था ही और चीनी भी, तो कितने पदार्थ, तीन पदार्थ। तीन पदार्थ कौन विलयन, त्रिअंगी विलयन। कौन विलयन, त्रिअंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम बता रहे हैं आपका, जैसे आप बात करें एग्जाम्पल की, जैसे में तो आप लिख सकते हैं पानी व चीनी का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण बच्चों, समांगी मिश्रण, चीनी व पानी का समांगी मिश्रण। अब बात करें बच्चों त्रिअंगी विलयन का, त्रिअंगी विलयन का, तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है बच्चों, तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है आओ उसके बारे में हम जाने। तो अभी हमने आपको दिखाया ना, पानी लिया, पानी हमने क्या डाला था, चीनी तो डाल ही रखा था, और इंक डाल कर हमने स्टीरिंग किया। अब जब इंक अच्छी तरीके से घुल गई, समांगी रूप से वो पूरे विलयन में फैल गई, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो क्या है आपका, वह विलयन, वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या, वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या, वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या तीन होती है, उसे त्रिअंगी, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे की बात करें, जैसे चीनी पानी वह स्याही का, चीनी पानी व स्याही का समांगी मिश्रण बच्चों। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो ये रहा बच्चों किसका, त्रिअंगी विलयन का। और एक और है आपके बुक में चतुरंगी है, जिसमें अवयवों की संख्या बच्चों चार हो, उससे हम क्या कहेंगे, चतुरंगी विलयन कहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके कुछ कंसंट्रेशन टर्म की। देखो विलयन के प्रकार है आप में, वह इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम आपके आते हैं सांद्रता कैसे मापते हैं और सांद्रता क्या होती है। तो ठीक है बच्चों, अब आपका अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सांद्रता क्या है, यदि हम बात करें कि सांद्रता क्या है, तो अगर हम कोई भी विलयन बना रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ विलायक होगा, कुछ मात्रा में आपका विलेय होगी। तो किसी भी विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है, समझो बच्चों, किसी भी विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है उसके संदर्भ में हम निकालते हैं सांद्रता। उसके संदर्भ में क्या निकालते हैं, सांद्रता। और वैसे हम क्या कह सकते हैं, स्थिर ताप पर, टेम्परेचर को हम स्थिर कर दें, स्थिर ताप व दाब पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता कहते हैं, जो हम विलायक और विलयन के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं।
तो ठीक है बच्चों, अब हम आपकी बात कर रहे हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो सबसे पहले आओ हम सीखे सांद्रता है क्या। तो हमने लगाया सांद्रता, तो सांद्रता आपका क्या है? सांद्रता विलेय की मात्रा से संबंध रखती है। केवल ये जानिए बस, सांद्रता विलेय की मात्रा से संबंध रखती है बस। और कुछ सांद्रता की इकाइयां हैं जो हमारे एग्जामिनर भाई साहब आएंगे तो पूछेंगे कि बच्चों आप मोलरता बताइए, बच्चों आप मोलरता बताइए। तो जो आपके स्कोर में होंगे थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जो भी बच्चे होंगे। और जिसे मोलरता और मोलरता में डिफरेंस नहीं पता, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में डिफरेंस नहीं पता, जिसे आयतन प्रतिशत में डिफरेंस नहीं पता, तो कन्फ्यूज तो होंगे ना। तो आज हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे कन्फ्यूज़न में यदि है भी तो ख़त्म हो जाए। तो आओ हम सीखें कुछ सांद्रता की इकाई, कुछ महत्वपूर्ण सांद्रता की इकाई, कुछ महत्वपूर्ण सांद्रता की इकाई जिसमें हम बात करेंगे। पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा ये बताइए कि द्रव्यमान प्रतिशत किसके सापेक्ष निकालेंगे? विलयन के सापेक्ष में निकालेंगे, विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष में निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज, और अगला क्या है आपका? आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या बच्चों? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और अगला क्या है बच्चों? मोलरता, मोलरता, और आपकी क्या है? मोललता, और क्या बच्चों? मोल प्रभाज। तो ये बच्चों आपकी टर्मिनोलॉजी है। कौन कौन? देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। पढ़कर जाइए एग्जाम में, 4 नंबर लेकर आइए। तो अब ये है क्या आपका, ये आपका है क्या? 2, 3 से 4 नंबर यहाँ से आएंगे, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालते किससे? तो अभी हमने आपको बताया कि किसी विलेय का यदि मात्रा ज्ञात करनी होगी, उसका परसेंटेज निकालना होगा, तो हम विलायक के या विलयन के सापेक्ष निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है, तो मतलब आपका विलेय का द्रव्यमान क्या बच्चों? आपका विलेय का द्रव्यमान बटे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अच्छा ये बताया बच्चों ये क्या लिखा है? प्रतिशत में प्रतिशत है तो 100 का गुणा करेंगे, तो गुणे 100%। सौरभ देखो रुको, तो बच्चों हमने देखा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अच्छा ये बच्चों बताओ कि विलेय का द्रव्यमान कम होगा कि नहीं? विलयन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, और जिसका ज़्यादा होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। तो निकल के बात आई तो डब्ल्यू अपान डब्ल्यू परसेंटेज, क्या निकल के आए बच्चों? डब्ल्यू अपान डब्ल्यू परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? आपका द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या इतनी बातें आई?
क्या इतनी बातें आई आपको समझ में? यदि हाँ तो आइए अब अगले की बात करें कि आयतन प्रतिशत क्या होता है बच्चों, कि इसकी बात हो चुकी है, हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से करते थे। तो आयतन प्रतिशत, तो जैसे कि हमने इसी विलयन को बनाया, उसमें विलेय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है, तो वहाँ पर हम उपयोग करेंगे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन होगा। क्या होगा बच्चों, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन का परसेंटेज होगा। तो आइए, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन परसेंटेज है, तो बच्चों लगाओ आप 100 लगाओ, क्या लगाओ आप 100 लगाओ। ये मिस हो गया था बच्चों, तो ये देखिए 100 परसेंटेज ऐसे लगाओ। तो अब देखिए विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन प्रदर्शित कैसे करेंगे, विलेय का आयतन है ना, तो वी स्मॉल अपान कैपिटल परसेंटेज। तो ये क्या है आपका, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और डिनोट कैसे करते हैं, वी अपान वी परसेंटेज से। क्या इतनी बातें आई समझ में? ये अब कुछ लोग पूछेंगे, अच्छा ये बताइए आपने विलेय का द्रव्यमान लिया है ये किस में लेंगे, विलयन का द्रव्यमान लिया है तो किस यूनिट में लेंगे? तो बच्चों हम आपके जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों का उपयोग हम छोटे अमाउंट के लिए करते हैं। अब छोटे अमाउंट के लिए करते हैं तो इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, ग्राम में, और इसको बच्चों किस में लेते हैं, ग्राम में। और इसको किस में लेंगे बच्चों, यमयल में, और इसको किस में लेंगे आपका, यमयल में। तो ये क्या रहा आपका आयतन प्रतिशत का फार्मूला रहा, और डिफिनीशन तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखने का। अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आप मान लीजिए विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, अगर आपने मान लिया कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो बच्चों हम एक और टर्मोलॉजी ले लेते हैं, इसके बाद तीनों हम डिफाइन करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपका इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा है द्रव्यमान, तो ये क्या हो गया आपका, विलय हो गया बच्चों, क्या होगा आपका, विलय हो गया, और यहाँ लिखा है आयतन, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, विलयन हो गया। तो बच्चों विलेय का द्रव्यमान आपको लेना है और विलयन का आयतन आपको लेना है, तो मतलब क्या निकला कि द्रव्यमान प्रतिशत जो होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा बच्चों, क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन, और बच्चों क्या है आपका, इनटू 100 है, तो आप 100 परसेंटेज केयर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हम बात करें किसकी, प्रतिशत की बात करें, तो ये फार्मूला निकल के आया। तो अब तीनों का तीनों डिफिनीशन एक ही टर्मोलॉजी में आपको बता दें, तो आइए अब इसे प्रदर्शित करेंगे कैसे बच्चों, ये भी देख लीजिए। विलय का द्रव्यमान हमने W मान लिया, आयतन है तो वी मान लिया, तो W अपान वी परसेंटेज, इससे आप क्या करेंगे, इसे प्रदर्शित कर लेंगे। अब बात करते हैं हम आपका कि इन तीनों को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, यदि इसकी हमें डिफिनीशन लिखनी हुई तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यदि आप विलयन का द्रव्यमान 100 मान लें, यदि विलयन का द्रव्यमान, यदि हमने विलयन का यदि हम विलयन का द्रव्यमान कितना मान लें बच्चों, 100 ग्राम मान लें, तो
बताइए जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा W अपान W परसेंटेज वो क्या होगा? विलय के द्रव्यमान के बराबर होगा, विलय के, विलय का द्रव्यमान। आपको सौ में एक नहीं क्यों, हम सौ रखेंगे बच्चों तो सौ यहाँ पर रखेंगे तो सौ से सौ आपकी कैंसिल हो गई, तो विलय का द्रव्यमान बराबर क्या निकला आपका, द्रव्यमान प्रतिशत निकला। तो आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो डिफिनीशन, जो डिफिनीशन निकल के आई तो क्या लिखेंगे इसमें, विलय के यदि, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यदि विलयन का द्रव्यमान, यदि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो, यदि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो विलयन में उपस्थित, तो विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, तो विलय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो यदि हम बात करें इसके मात्रक की क्या होगी बच्चों, यदि हम मात्रक बात करेंगे, देखिए ग्राम यहाँ पर भी, ग्राम यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसका मात्रक जो होता है ये यूनिटलेस होता है, मात्रक विहीन होता है। तो आओ इस पर हम क्वेश्चन करें। तो यदि हम इस पर क्वेश्चन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कुछ दे देगा कि विलय का द्रव्यमान इतना है, विलयन का या विलायक का द्रव्यमान इतना है, तो आप विलय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो कुछ भी सवाल में नहीं रहता, आपको पूरी डाटा ज्ञात होती है और इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ बच्चों, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ हम एक सवाल देख ही लेते हैं। तो क्या होगा आपका, एक क्वेश्चन देख ले, यदि 40 ग्राम, यदि 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड सेवेंटी ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज में गुलाय मतलब मिक्स है, ठीक है बच्चों, गुलाय मतलब यहाँ पर का मिक्स है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों क्या होगा। विलय का द्रव्यमान आपको पता है, विलयन का द्रव्यमान भी आपको पता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत आप जानते हैं W अपान W परसेंटेज होता है। तो W क्या है, विलय का द्रव्यमान, तो 40 विलयन का द्रव्यमान, देखिए ये 70 है और ये 40 है, 70 और 40 110 हो गया, मतलब इसका 110 ग्राम आ गया, और परसेंटेज है तो 100 परसेंटेज आ गया आपका, तो 0 से 0 कैंसिल, और देखिए तो कितना आ गया 400 बटे 11, तो 11 तिया 33, 7 0 11 छक्का 66, 4 0 11 तिया 33, तो इतना आपका क्या आ गया, विलय का द्रव्यमान आ गया बच्चों, कितना, इतना आ गया बच्चों आपका विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा बताइए
कि विलायक का कोई आपसे पूछे, अच्छा बताइए आप विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आपको पता है कि विलेय और विलायक ने मिलकर आपका विलयन बनाया है, तो दोनों का जो मिलकर बनाए होंगे उसे मान लेते हैं 100%। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा बच्चों, 100 - 36.3%। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जिन्हें डेसिमल का घटाना नहीं आता वो देखिए, दशमलव है तो दशमलव के ऊपर भी दशमलव और दशमलव के नीचे भी दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर आपका 3 है, 36 है तो हमने यहाँ पर 36 लिख दिया, घटाइए 10, 10 में से 3 गए 7, 10 बोलो तो 10 बोलो, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर कैरी लिया था ना तो 9 में से 3 गए 6, तो इतना परसेंटेज आपका क्या गया बच्चों, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत इतना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, अगर आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब हम आपकी बात करेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है और उसके क्वेश्चन का, आयतन प्रतिशत तो बच्चों हमने बात कर लिया है, अब बात करेंगे आयतन प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, हमने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में देख लिया, अब हम आपका देखेंगे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के बारे में बच्चों हमने इसके डिफिनेशन को देख लिया था, इसका फार्मूला क्या होता था बच्चों देख लिया था, तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इनटू 100 परसेंटेज है बच्चों, तो हम 100 का गुणा कर देंगे, तो यदि हम इसे प्रदर्शित करेंगे v/v% से, तो यदि हम यहाँ पर विलयन का आयतन कितना मान लें 100 मान लें, यदि हम विलयन का आयतन 100 ml मान लें तो आयतन प्रतिशत क्या होगा बच्चों, तब आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, तो कहने का क्या मतलब निकला कि यदि विलयन का आयतन 100 ml हो, तो 100 ml हो तो विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है, तो ठीक है बच्चों ये रहा आपका आयतन प्रतिशत क्या होता है। और यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो इस प्रकार से आ सकता है आपका कि 10% आयतन प्रतिशत का क्या मतलब है, तो 10% आयतन प्रतिशत का क्या मतलब है बच्चों, तो 10% दिया है ना, अब जब ऐसा आ जाए परसेंटेज का तो हम पूरे विलयन को क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं,
तो अगर हम 100 मान लेंगे तो आयतन प्रतिशत कितना है बच्चों? 10% है। मतलब जो विलेय का आयतन है वो 10 mL है। तो विलेय का आयतन कितना है बच्चों? यहां से जो विलेय का आयतन क्या निकल जाएगा? 10 mL। और विलायक का आयतन कितना निकलेगा आपका? 90 mL निकलेगा। कब? यहाँ पर हमने माना विलयन का जो आयतन है 100 mL है। इस आधार पे हमने यहाँ पर कर लिया आपका। अब हम बात करेंगे आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, तो आओ हम इसे सीखें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों? विलेय का द्रव्यमान क्या होगा आपका? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और परसेंटेज है बच्चों, तब क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए आप इसे क्या रखिएगा, केवल इस फार्मूले को याद रखिएगा। बाय द वे, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका बात करेंगे मोलरता क्या होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के हिसाब से, तो आओ हम मोलरता के बारे में जाने। क्या ऑप्शन देखेंगे? मोलरता। मोलरता से मतलब है बच्चों विलयन में कितने मोल है, बस यही जानिए आपके विलयन में कितने मोल हैं। तो मतलब मोलरता जो निकल के आई, मोलारिटी, वो क्या निकल के आई? विलेय के मोल। क्या बच्चों? विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। विलेय के मोल बच्चों अपान विलयन का आयतन। और जो आयतन लेना बच्चों, किस में लेना है आपको? लीटर में लेना है। तो यही क्या होगी आपकी मोलरता होगी। तो क्या होगी आपकी मोलरता होगी? तो कहने का क्या मतलब निकला कि जो आपकी मोलरता होती है वह किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बताती है। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि हम विलयन का आयतन, यदि हम बच्चों विलयन का आयतन 1 लीटर मान लें, तो जो मोलरता निकल के आएगी वो क्या आएगी? विलेय के मोल आएगी। विलेय के मोल, जो मोलरता निकल के आएगी बच्चों, क्या निकल के आएगी? विलेय के मोल निकल के आएगी। तो अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगा आपका? यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, 1 लीटर हो तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता कहलाती है। और इसकी हम मात्रक की बात करें, यदि इसके बच्चों मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? तो ऊपर क्या लिखा? मोल। तो इसका मात्रक यहाँ पर निकला मोल,
और आयतन का मात्रक यहाँ पर क्या है लीटर, तो यहाँ क्या लिखिए आप लीटर, तो क्या निकल के आप मात्रक मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या हम इसे क्या कह सकते हैं, या तो इसे अच्छे हम क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपका मात्रक निकल के आया मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स आया। तो ठीक है बच्चों, आओ हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि हम यहाँ पर कह दें, यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन आना तय है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़कर जाइए और न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लिया क्वेश्चन आपका, यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलयन में उपस्थित हो, विलयन में उपस्थित हो तो मोलरता क्या होगी, तो मोलरता क्या होगी। अच्छा ये बताइए बच्चों, आपका जो विलेय का मात्रा कितना दिया है 40 ग्राम, और विलेय क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो विलेय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा, की मात्रा कितना आपका 40 ग्राम है। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान बच्चों निकलेगा, जो इसका मोलर द्रव्यमान निकलेगा वो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, तो क्या निकला सोडियम का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो सोडियम का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान है। तो सोडियम कितना होता है बच्चों, 8 है ना, 11 होता है, इसका कितना होता है 8 होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो 11 दुना 22, 8 हो तो उसका दुगना करो और 1 जोड़ दो, तो 11 दुना 22 एक 23 प्लस 8 है तो दुगना 8 दुनी 16, 1 है तो 1 का हाइड्रोजन का 1 ही रखिए हमेशा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1.008 होता है। तो 6 1 7 और 7 3 10 के जीरो हाथ में आए 1 2 1 3। एक मिनट बच्चों, एक मिनट यहाँ पर आपकी मिसिंग है, यहाँ पर 8 2 16 होगा बच्चों, 16 प्लस 1 होगा, तो 6 1 7 3 10 के जीरो हाथ में 1 2 1 3 1 4। तो 40 ग्राम पर मोल आ गया आपका बच्चों। तो ये क्या है, मोलर मास है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब इसके मोल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मोलरता होती है विलेय की मोलों की संख्या विलयन में जितना होगी वो उसे बताती है। तो मोल कितना होगा, जो मोल होगा बच्चों, मोल को प्रेजेंट करते हैं यन से, ये आपको क्या यन है, स्मॉल यन है, तो क्या होता है पदार्थ का भार मोलर, क्या होता है पदार्थ का भार अपान मोलर द्रव्यमान, अपान मोलर द्रव्यमान। तो आपका पदार्थ का भार कितना है, कितना बच्चों 40 ग्राम है यहाँ पर भी, और वो भी 40 ग्राम में, तो 40 से 40 कैंसिल हुआ कितना आ गया 1 आ गया मोल। तो मोल कितना बच्चों आपको 1 मोल है। तो जो मोलरता निकलेगी यम बराबर विलेय के मोल की संख्या अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन इसमें लीटर में। यहाँ पर 200 ml है, अब 200 ml को आप लीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा,
ठीक है, मिली, मिली के बाद क्या आता है बच्चों, सेंटी, डेसी और ग्राम, और ग्राम के पास में आपको क्या होता है, लीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम कितने खाने चल रहे हैं, एक दो तीन, और हम चल रहे हैं बच्चों ऊपर चल रहे हैं ना, तो एक बटे दस से हम गुणा करते चलेंगे, तो 200 गुणे एक बटे दस, तो कितने तीन खाने चले, दस घाते तीन लगाइए तो क्या निकलेगा, 200 गुणे दस घाते माइनस तीन, या 200 गुणे दस घाते माइनस तीन, इसे भी घात में चेंज कर लेंगे आप, 2.0 गुणे दस घाते दो और गुणे दस घाते माइनस तीन, तो घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 गुणे दस घाते माइनस 1, और इसे सॉल्व करें 2/10 और क्या आ गया, 1/5 आ गया, अगर सॉल्व करें तो 0.5 × 10 तो 2 आ गया, तो 0.2 लीटर है आपका। तो बताइए जो मोलरता निकली क्या निकली, 1/0.2, और इसे आप सॉल्व करेंगे दशमलव है तो यहाँ पर 1 दशमलव बढ़ा करके आप 0 लगा दीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 × 5 = 10, तो 5 मोलर बच्चों आपका निकल के आया, तो क्या निकल के आया आपका, 5 मोलर निकल के आया। क्या इतनी बातें आई समझ में बच्चों, ठीक है, अब हम आपका डिस्कस करेंगे कि मोललता क्या होती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान रखिए, बात कर लीजिए आप मोललता। तो अभी आपने पढ़ा कि मोललता को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाएंगे, तो मोललता को स्मॉल एम से, इतनी बातें आए समझ में, और मोललता आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो कहने का क्या मतलब कि मोललता आपका विलायक के सापेक्ष निकाला जाता है, तो जो मोललता को स्मॉल एम से दर्शाएंगे, तो मोललता इक्वल टू क्या होता है बच्चों, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान, और जो विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए आपका, केजी में होना चाहिए। तो यदि हम विलायक का द्रव्यमान कितना मान लें बच्चों, 1 केजी मान लें, तो विलेय के मोल बराबर क्या होगी आपकी, मोललता होगी। और इसके यदि आप मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा बच्चों, मोल पर केजी, ये आपका मात्रक हो, क्या होगा, मोल पर केजी। तो डिफिनेशन क्या निकल के आई, डिफिनेशन 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता, मोललता, मोललता कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका मोललता रहा, तो मोललता का ये मात्रक रहा और ये रहा आपका फार्मूला। यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यम इक्वल टू क्या आएगा आपका, यन अपार डब्लू के जी। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद।